एक रियल स्टोरी मैं बताना चाहूंगी। मेरे को पेज पे मैसेजेस आए और उनका फोटो भोजपुरी की इंडस्ट्री में ओपनली बोलूंगी, पवन जी के साथ था और ऐसे खेसारी जी के भी बहुत सारे ऐसे आए मैसेजेस कि वो पर्सनली नहीं किए थे। उनके जो होता है ना कि एक सेल्फी ले लिए, थोड़ा सा उनके पीछे पीछे घूम लिए, वो लोग अब डील करते हैं लड़कियों से ऐसे कि हम आपको 3 गाने पवन जी के साथ कराएंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज यानी कि आपको रिलेशनशिप बनाना होगा मेरे साथ, गर्लफ्रेंड बनना होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक मतलब कि डार्क साइड है ये, जी और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई लड़की जो है ऑन कैमरा बोल रही है। इसके पहले भी बहुत सारी लड़की एक्ट्रेस सिंगर ये बातें बोल चुकी हैं। ये जी बहुत बड़ा डार्क साइड है और इस पे जो है काम होना चाहिए। और खैर इंडस्ट्री में भी जो है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी और दूसरे इंडस्ट्री में भी जो है, ये मतलब कि एक उसका काला पार्ट है, एकदम पूरा बहुत ब्लैक पार्ट है, तो इस पे काम होना चाहिए और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। इसमें पता है कुछ लड़कियां ऐसी हैं, हम जब स्टूडियो जाते हैं तो मानिए कि कोई है, कोई डायरेक्टर आ गए हैं या कोई बड़े यूट्यूब के जो मालिक है वो आ गए हैं, सर हमको गवाइए ना, सर हमको कब गवाएंगे, ऐसे आई कांटेक्ट पूरा, मतलब एक होता ना कि बहलाना अपने वो चीजों में करना, तो वैसे करती हैं। और जैसे आप बहला के आप उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, आप उनके साथ, अब जैसे आप देखेंगे इंडस्ट्री में जो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके पर्सनल एक दो गर्लफ्रेंड होंगी, वो उन्हीं पे काम करेंगे और उनसे उनका 50% कमीशन लेंगे और वो अपना खर्चा गुजारा करेंगे। तो यही चल के आ रहा है, अगर आप उनकी गर्लफ्रेंड बनती है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं, तो ठीक है आपको इंडस्ट्री में बढ़ावा दिया जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने दम पे आगे बढ़े हैं होता और है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। नहीं किया बिहार है, में ही ऐसे बिल्कुल अनेकों उदाहरण हैं जिनको मोदी जी तक सम्मानित करते वही। हैं। क्या तो नाम है आप अपने उनका, दम पे जो है आप काम करते रहिए और बिल्कुल आज नहीं तो कल जो है आपको तो मंजिल मिलेगा ही। स्ट्रगल जारी रहेगा। चंपारण में कहां से रहने वाली हैं? बेतिया बेतिया में कहां से? जी, मझौलिया। मझौलिया। मझौलिया मेरा भी ब्लॉक है और आज तक मैं आपको मोतिहारी का ही समझता था। जी आज मुझे पहली बार पता चला कि आप जो है मेरे ही गृह जिला के, मेरे ही ब्लॉक की रहने जी वाली हैं। जी मझौलिया में कौन सा गांव है? मोहदीपुर। मोहद्दीपुर। जी मैं आपके गांव में गया हूं और उस गांव से उठ के जो है आप यहां तक पहुंची है। अभी 3 लाख सब्सक्राइबर है। जी टारगेट क्या है आपको, क्या है मतलब अचीव करना है? मैं चाहती हूँ कि मैं वो बनूँ, वो आवाज बनूँ जिसको लोग सुने, जिसको लोग कभी समझे। स्टेज शो किया कि नहीं आपने? किया है कुछ, कितना ऑलमोस्ट 10। स्टेज शो जी आपने किया है? जी सिर्फ 10? जी ज्यादा तो नहीं स्टेज शो किया। के लिए कोई संपर्क करता है कि नहीं? नहीं मैंने वो नहीं किया, क्योंकि ऐसे हुआ ना कि जब मैं इंडस्ट्री में आई। अगर स्टेज शो के लिए कोई संपर्क करे अपने गांव में गवाने के लिए, गाना गवाने के लिए, तो क्या आप गा सकती हैं, जा सकती हैं? बिल्कुल करूंगी, लेकिन एक होता है कि जागरण, माता का जो चौकी होता है या जागरण होता है जिसमें भक्ति गाने या अश्लील से दूर रहते हैं। अब जैसे कि मानिए स्टेज शो है, वहां पे गए और पूरा लगे अश्लील गाने गाने, तो आजकल के ज्यादा दर्शक को तो वही पसंद है। अब वहां पे मैं स्टार्ट कर दी अपनी भक्ति चीजों को ज्यादा, तो वहां के लोग तो तो मुझे नहीं फायरिंग समझ भी हो सकते, सकता फायरिंग भी हो सकता है। है।